हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेस। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ दो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, दो अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं में, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से एक जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में आई हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, वो पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज के लिए है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और जो दूसरी वैकेंसी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, 203 परमानेंट वैकेंसीज आई हुई है पीआरटी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है वो भी। और वहां पे सिक्स पे कमीशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने जो अप्लाई करा हुआ है उसके हिसाब से सैलरी पे करी जाएगी पीआरटीज को। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, क्योंकि डेली बेसिस पर जो हम वैकेंसी शेयर करते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहे और आप कोई भी वीडियो उसमें से मिस ना कर पाओ। तो आइए मैं आपको, और उस वीस में हम आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ वो वैकेंसीज आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज पीआरटीज के लिए आई हुई है स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन में। इसमें आप जब एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो ये वैकेंसीज काफी पहले पब्लिश करी गई थी, लेकिन आई थिंक शायद उनको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं मिले होंगे, इसीलिए ये एक्सटेंड करते करते, और दूसरा कोविड-19 की वजह से, ये इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, ये जो वैकेंसीज हैं उसकी लास्ट डेट बढ़ाकर कर दी गई है 30 सितंबर, यानी आज 28 तारीख है, आज से 3 दिन है अब से शुरू करके आप जब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट चूंकि एप्लीकेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये आपने मिस कर दिया है तो। और जो वैकेंसीज हैं उनको टीचर्स चाहिए इंग्लिश के लिए, टीचर्स चाहिए हिंदी के लिए और उर्दू के लिए, तो तीन अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी हुआ था मार्च में, और इसकी जो एज लिमिट है 40 इयर्स है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है जमा करने की वो 30 सितंबर है, ये हमने जैसा अभी अभी आपको दिखाया। तो इंग्लिश टीचर्स की 149 वैकेंसीज हैं, उसमें से कितनी अनरिजर्व्ड है वो इन्होंने मेंशन करा हुआ है। लेवल ऑफ पे जो रहेगा वो सिक्स पे कमीशन के हिसाब से रहेगा, उसकी भी डिटेल दी हुई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, आपका हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में बीएलएड आपका होना चाहिए। तो ये इन्होंने पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इंग्लिश, अ कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज ऑल अलोंग टिल हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इसमें आपका होना चाहिए और आपका एम ए भी इंग्लिश में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, इंग्लिश टीचर की अगर बात करें तो। दूसरा है इसमें हिंदी के लिए जो टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसमें ऑब्वियसली जो लैंग्वेज है, मतलब आप जो हिंदी एज अ सब्जेक्ट जरूर आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, साथ में अगर आपने एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से जो बीएलएड प्रोग्राम है या जो 2 साल का डिप्लोमा है अगर वो आपने करा हुआ है तो वो उसकी मेन क्वालिफिकेशन है। उर्दू के लिए भी सेम है, बट लैंग्वेज उर्दू चेंज हो जाएगी, उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये इन्होंने बड़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, एज लिमिट आप नोट कर ले। एप्लीकेशन फीस है 150 रुपीज, तो 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस उसमें लगेंगे और कुछ बैंक चार्जेस उसमें लगेंगे जो चालान डिपॉजिट के लिए। ऑनलाइन आपने ये डिपॉजिट करना है, अकाउंट नंबर भी उन्होंने मेंशन करा हुआ है, कैसे आपने करना है वो हम अभी 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 आपको दिखाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना। तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट आप नोट कर ले, ये है msCWB.org, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो msCWB.org, इसमें नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज वहां पे ओपन हो जाएगा जिसपे जो उनके लाइव नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट के वो सब अवेलेबल हैं। उसमें आप सबसे ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 ऑफ 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, उस पे आपने क्लिक करना है।
तो फिर ये उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी आपको दिखाया वो था इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स, ये यहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करी हुई है 30 सितंबर रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नए कैंडिडेट हैं पहली बार आप इसकी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपने नए यूजर की तरह साइन अप करना पड़ेगा। पहले आप साइन अप करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फीस पे करेंगे, वहां पे सारी डिटेल्स एंटर करेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। तो इसमें और कोई ये ऑनलाइन प्रोसीजर है पूरे तरीके से, तो इसमें अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते। तो ये नोटिफिकेशन आप एक बार फिर से देख लें, इसमें 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लें परसों तक, फिर फीस जो है वो 1 तारीख से पहले या 1 तारीख तक आप जमा कर दें, और जो एप्लीकेशन है क्योंकि फीस की डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी आपको, वो आपको 3 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसी की हम बात करते, तो दूसरी जो वैकेंसी है ये हमने पहले भी एक बार डाला था इसी वीडियो के थ्रू, बट अगर आपने ये मिस कर दिया है तो इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, तो आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशंस हैं ये। उसमें जो वैकेंसी है उनको पीजीटी इंग्लिश चाहिए, ज्योग्राफी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स सोशल साइंस स्पेशल एजुकेटर। फिर जो उनका दूसरा स्कूल है रुड़की में उसमें एक पीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन, और दूसरा टीजीटी की रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स सोशल साइंस स्कूल काउंसलर स्पेशल एजुकेटर एंड प्राइमरी टीचर्स। तो ये कई सारी रिक्वायरमेंट वहां पे हैं। इसमें 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 57 साल 57 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है और एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन है, तो आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी और डिटेल इसकी हम आपको दिखाते हैं, तो ये इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे aps2rurki.com, उसके बाद करियर सेक्शन में जाइए, फिर टीचर के ऊपर क्लिक करिए और ये एड हॉक वाली पोजिशंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज वहां पे ओपन होगा। प्रोसीजर इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है इसी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने ऑनलाइन फीस पे करनी है, मतलब इनका जो ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसमें आप 100 रुपये फीस पे करेंगे, डिटेल्स को नोट कर लेंगे। दूसरा है सबमिट ऑल द डिटेल्स ऑन द लिंक टाइटल रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन, वो लिंक मैं आपको दिखाऊंगा नीचे की तरफ। तीसरा इसमें स्टेप है, जब आप जब ये आप रिक्वेस्ट भेज देंगे एप्लीकेशन के लिए फिर स्कूल आपको रिप्लाई करेगा ईमेल के थ्रू, एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा, एक पीडीएफ भेजेगा जिसके जो एडिटेबल है, मतलब आप उसको कंप्यूटर में लैपटॉप में यूज कर पाएंगे और एडिट कर पाएंगे, वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी, उसको आप फिल करेंगे, उसको एज अ पीडीएफ ही सेव करेंगे और फिर आप उसे इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे सारी डिटेल्स के साथ aps2.rurki@gmail.com। फिर आप सारी चीजों का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, फीस जो आपने पे करी है चालान उसका प्रिंट आउट लेंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और साथ में आपके जो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपने लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू की जो डेट है और टाइम है और जो और भी टेस्ट इसमें होगा, जो टीचिंग टेस्ट और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी डिटेल वो ईमेल के थ्रू आपको बता दी जाएगी। तो ये वो है रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, ये नंबर 2 स्टेप है। सबसे पहला है आप फीस पे करें, उसके बाद आपने इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे आपने एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट डालनी है और इसके लिए आपके पास एक जीमेल का ईमेल आईडी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, वो आप फिल करेंगे, आप उसे सेव करेंगे, उनके ईमेल आईडी पर भेज देंगे सारी डिटेल्स के साथ। तो ये था दूसरी वैकेंसी, होप ये आपके लिए यूजफुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।